14/7/2015 यानी आज से दो साल पहले आईपीएल की दो टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर बैन लगा था, जो आज खत्म हो गया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि ये दोनों टीमें 2018 में होने वाले आईपीएल के 11वें संस्करण में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगी। वहीं इसी के साथ धोनी के फैंस को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2018 आईपीएल के 11वें संस्करण में धोनी चेन्नई की कप्तानी करते देखे जा सकते हैं। दो बार चेन्नई को खिताब जिता चुके धोनी पर चेन्नई के फैंस और प्रबंधकों का पूरा विश्वास है। चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक मेंबर ने एक बयान में कहा है कि उनकी टीम धोनी को सीएसके में वापस लेकर आएगी। सीएसके क्रिकेट लिमिटेड के डायरेक्टर के अनुसार, अगर बीसीसीआई खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति देती है तो वो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किसी भी हाल में अपनी टीम में बरकरार रखना चाहेंगे। गौरतलब है कि 2013 आईपीएल फिक्सिंग में लिप्त पाए जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2015 में दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स टीम आज से अपनी टीम का प्रचार प्रसार शुरू करेगी। फैंस में भी सीएसके की वापसी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच धोनी को लेकर भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।